कुर्था अरवल कुर्था प्रखंड स्थित SBI दरहेटा महाविद्यालय में सम्मान समारोह के मौके पर आए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने पत्रकारों को अपने संबोधन में कहा कि बिहार में शिक्षा के प्रति सजग दिख रही है। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा हो रही है, कुर्था जगदेव कॉलेज में परीक्षा दे रहे हैं, स्कूली छात्र छात्राओं को जायजा लेने पहुँचे। उन्होंने कहा कि बिहार में हो रहे इंटरमीडिएट की परीक्षा में कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है, नकल करने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा से निष्कासित करने एवं आर्थिक दंड भी है। उन्होंने कहा, बच्चों शिक्षा के प्रति ध्यान दे, अच्छी पढ़ाई तभी देश का नाम रोशन होगा, बच्चों के उज्जवल भविष्य बनेगी, बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अरवल जिला कुर्था से रंजन कुमार की रिपोर्ट। परीक्षा दे रही है, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं और किसी तरह का कोई कदाचार की शिकायत नहीं है। 17 तारीख से सर सर्विस शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं, वो तो बात की चीज़, अभी उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी जो परीक्षा चल रही है बिहार में, जो हम लोग बात की हमेशा चर्चा करते हैं कि बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षा सभी जगह हो रही है, और आज हमने सेंटर पर जाकर स्वयं भी देखा, बहुत शांतिपूर्वक और बहुत इत्मीनान से कदाचार मुक्त परीक्षा चल रही है। सभी बच्चे और बच्ची बढ़िया से आराम से परीक्षा दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिहार का एक नया माहौल परिवर्तन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। कदाचार युक्त परीक्षाएँ होती थी, रिजल्ट बहुत देर से होता था, टॉपर घोटाला भी होता था, लेकिन अब ये सब चीज़ दूर हो गया, सारी चीज़ व्यवस्थित हो गई है। खुद परीक्षा करने कदाचार मुक्त परीक्षा सब जब आ रही है, कालीन पर हड़ताल पर हैं टीचर लोग, तो अभी नहीं ना, 17 तारीख काम कर रहे हैं, जब जाएंगे तो उस पर हम बात करेंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।